तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। कहानी शुरू होती हमें दिखाया जाता है कि 1982 में एक अंतरिक्ष यान दक्षिण अफ्रीका के एक शहर के ऊपर आके रुक जाता है। जब जांचकर्ता उस जहाज के अंदर जाके चेक करते हैं तो उस जहाज के अंदर कई सारे एलियन रहते हैं जो झींगे की तरह दिखते हैं। उन सभी एलियनों को सरकार एक जगह पे शिफ्ट कर देती है जिस जगह का नाम डायरेक्ट 9 होता है। उस समय बाद हमें दिखाया जाता है कि उस जहाज से एक कूड़ा टूट कर सीधा डायरेक्ट 9 वाली जगह पे गिर जाता है। उस जगह पे रहने वाले लोग उन एलियनों की बहुत कंप्लेंट करते हैं सरकार से, बोलते हैं ये एलियन कानून तोड़ते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी मचा रहे हैं। इतनी कंप्लेंटों के बाद सरकार सोचती है कि इन एलियनों को अब ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां पे इंसान दूर दूर तक ना रहते हों। वो एलियन इंसानों की भाषा समझते थे, इसलिए सरकार एलियनों और लोगों के बीच में थोड़ा सलाह मशवरा करवा कर एलियनों को एक नई जगह पे शिफ्ट करने का प्लान बना लेती है। सभी एलियनों की शिफ्टिंग के लिए वो एक कंपनी को काम पर रखती है। कंपनी पूरे लॉ के हिसाब से एलियनों को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने का पूरा प्लान बना लेती है। उनके पास कई सारे हथियारबंद लोग होते हैं। एमयू कंपनी के एक डायरेक्टर होते हैं जिनका नाम स्मिथ होता है। स्मिथ का एक दामाद होता है उसी कंपनी का नाम विकस होता है। वो विकस को इस काम का इंचार्ज बना देते हैं और बोलते हैं कि विकस अपनी एक पूरी टीम तैयार कर ले और एलियनों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का पूरा काम इसके हाथ में दे देते हैं। जब विकस डायरेक्ट 9 वाली जगह पे जाकर एलियनों को समझाता है कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो कई सारे एलियन मान जाते हैं और कई सारे एलियन रियल होते हैं वो नहीं मानते। विकस की जो टीम में कई सारे हथियारबंद लोग होते हैं वो उन्हें मारते धमका के वहां से निकाल देते हैं। विकस धीरे धीरे सारी झोपड़ियां पूरी कर रहा होता है, तभी एक वो नई झोपड़ी के पास जाता है। झोपड़ी के अंदर एक क्रिस्टोफर नाम एलियन रहता है, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। क्रिस्टोफर 20 सालों से एक ऐसा केमिकल बना रहा था जिससे वो अपना एलियनशिप स्टार्ट करके अपने ग्रह वापस जा सके। तभी विकस को एक अजीब सा गैजेट मिलता है। वो गैजेट जैसे ही विकस उसे टच करता है तो उस गैजेट के अंदर एक अजीब सा केमिकल होता है जो सीधा विकस के मुंह पे गिर जाता है। विकस की वहां पे तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है तो विकस की टीम बोलती है कि विकस को अब रेस्ट करने के लिए यहां से अपने घर चले जाना चाहिए। तो विकस मना कर देता है। विकस बोलता है कि वो अभी नहीं जाएगा क्योंकि डायरेक्ट 9 में कई सारी ऐसी गैंग बन चुकी हैं जो एलियनों के हथियार खरीद रही है और धरती के हथियार एलियनों को बेच रही है। मगर विकस की बढ़ती खराब तबीयत को देखकर उसकी टीम उसे घर भेज देती है। जब विकस घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ तानिया उसकी एक प्रमोशन की पार्टी रखी होती है, मगर विकस की इतनी ज्यादा तबीयत खराब होती है कि वो पार्टी अटेंड सही से नहीं कर पाता और पार्टी में ही बेहोश हो जाता है। बाथरूम में जाता है तो उसके हाथों से उसके नाखून निकल जाते हैं और मुंह में से दांत टूटने लगते हैं। जब विकस के हाथों के नाखून टूट जाते हैं तो उसके हाथों में बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और दर्द होने लगता है। तो वो अपने हाथ में खुद ही पट्टी बांध लेता है। मगर जब उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है तो वो डॉक्टर के पास ज्यादा बेहतर समझता है और डॉक्टर के पास चला जाता है। अस्पताल में जब डॉक्टर उसके हाथ की पट्टी खोलता है तो देखता है कि उसका हाथ तो धीरे धीरे एलियन के हाथ की तरह लगने लगा है। उसका हाथ सीधा एलियन वाले हाथ की तरह बदल रहा है। मगर जब एमयू कंपनी को पता चलता है तो विकस को वहां से उठा के सीधा अपने अस्पताल में ले जाते हैं और वहां पे स्मिथ जो उसका ससुर होता है जब वो उसे देखता है तो वो बेहोश होता है और उसका पूरा हाथ एलियनों के हाथ जैसा बदल जाता है। स्मिथ के मन में लालच आ जाता है। वो बोलता है कि अगर इसका एक एक हिस्सा भी काट कर बेचे तो सारी गवर्नमेंटें महंगे महंगे रेट में इसका एक एक हिस्सा खरीद लेंगी कि ये इंसान और एलियन का मिश्रण बन चुका है। विकस ये सुन लेता है मगर वो घबराया हुआ और बंधा हुआ होता है तो वो कुछ कर नहीं पाता। और वहाँ पे जो एक हथियारों का स्पेशलिस्ट होता है वो बोलता है कि क्यों ना विकस से एक बार ये सारे हथियार चला के देखे जो एलियनों के हैं, क्योंकि ये सारे हथियार इंसान नहीं चला पा रहे थे, ये हथियार सिर्फ एलियनों के ही टच से चल रहे थे। जब विकस के हाथ में हथियार देके जबरदस्ती चलवाए जाते हैं तो वो हथियार चलने लगते हैं क्योंकि विकस धीरे धीरे अब एलियन में बदल रहा था। और विकस ये देख के बहुत डर जाता है, वो हथियार चलाता है और वहां से भाग जाता है। वो सीधा डायरेक्ट 9 वाली जगह पर पहुंच जाता है। विकस वहां पे क्रिस्टोफर से मिलता है और बोलता है कि देखो उसे क्या हो गया है। क्रिस्टोफर उसे समझाता है कि उसका 20 साल से जो वो गैजेट बना रहा था उसने अपने ऊपर यूज कर लिया है, अब वो एलियन बनने लगेगा धीरे धीरे। और क्रिस्टोफर उसे बोलता है कि अगर वो उसे ठीक करना भी चाहे तो वो 3 साल से पहले उसे ठीक नहीं कर सकता। और क्रिस्टोफर बोलता है कि उसे उसका गैजेट वापस चाहिए जिसमें उसने केमिकल बनाया था। विकस बोलता है वो गैजेट तो उसी की लैब में पड़ा है। और वो दोनों वहां से सीधा एएमयू की लैब में जाते हैं। जैसे उनके हाथ में वो गैजेट आता है तो लोग भागने लगते हैं वहां से, तभी उनका सामना एएमयू के गार्ड से होने लगता है और वहां पे उन लोगों में मुठभेड़ स्टार्ट हो जाती है। मगर विकस और क्रिस्टोफर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जब क्रिस्टोफर विकस को लेकर अपनी झोपड़ी में जाता है दिखाता है कि उसकी झोपड़ी का रास्ता एक नीचे बेसमेंट में भी जा रहा है। वो बेसमेंट नहीं था बल्कि वो पूरा एक शिप थी, स्पेसशिप में से गिरा हुआ एक टुकड़ा था। मगर जब तक वहां पर एएमयू के गार्ड्स भी पहुंच जाते हैं, क्रिस्टोफर उसे बोलता है कि वो यहां से जहाज लेके निकल जाए, वो ऊपर गार्ड्स को रोक रहा है। जैसे ही
लेकर जहाज़ को स्टार्ट करके ऊपर उड़ा ही रहा होता है, तभी उस पर हमला हो जाता है और उसका जहाज उड़ जाता है और जमीन पर नीचे आगे गिर जाता है। अब विकास काफी हद तक एलियन में बदल गया था। जब विकास देखता है कि क्रिस्टोफर मुसीबत में है तो वो एक एलियन रोबोट सूट को पहनता है और कई सारे लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है जो उन्हें वहाँ पे रोकने आए थे। और क्रिस्टोफर वहाँ से उठता है और सीधा शिप की तरफ पहुँच जाता है और शिप को स्टार्ट करता है और अपने बेटे को वहाँ से लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और वो विकास को बोल के जाता है कि वो एक दिन वापिस जरूर आएगा उसे ठीक करने के लिए और अपने लोगों को वापिस ले जाने के लिए। और विकास कई सारे लोगों को मार चुका होता है जो उसे मारने आए थे और वहाँ से बच के निकल जाता है। तभी हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि तानिया के दरवाजे पे नॉक होता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि जमीन पे एक नीचे कागज का बना हुआ फूल रखा होता है। वो समझ जाती है कि ये विकास ही देके गया है और विकास अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। फिर हमें विकास को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से अब एलियन बन चुका था। वो कूड़े पे बैठकर एक कागज का फूल बना रहा होता है और इसी उम्मीद में रहता है कि एक न एक दिन क्रिस्टोफर वापस आएगा और उसे ठीक कर देगा। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।